दोस्तों आज का प्रयोग बड़ा अद्भुत और सुंदर रहने वाला है। नवरात्रों में आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और जीवन की तमाम परेशानियों को आप अलविदा कह पाएंगे, क्योंकि रोग और टोक ये हर घर की समस्या है। रोग कहीं ना कहीं परिवार में कोई ना कोई सदस्य रोग से ग्रसित है, अनेकों प्रकार के एफर्ट लगा चुके हैं, मेडिसिन ले चुके हैं, एलोपैथिक होम्योपैथिक, परंतु किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। या फिर किसी आप ऐसे पर्सन से परेशान है जिसकी बुरी नज़र आपको प्रभावित करती है, वो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं है, या फिर दोस्तों आप गृहस्थ जीवन में परेशान हैं, छोटी बात बड़ी बन जाती है, ग्रह क्लेश रहता है, या फिर दोस्तों जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अपने विवाह को लेकर परेशान है, उम्र निकलती जा रही परंतु विवाह नहीं हो पा रहा है, व्यापार में बाधा है, एफर्ट तमाम लगा चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, बिजनेस जॉब को लेके परेशान है, जिनके पास जॉब है वो उससे संतुष्ट नहीं है और कुछों को जॉब नहीं मिल पा रही है, विद्यार्थी पढ़ाई में अपना अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी मेहनत नहीं कर पा रहे, उनका रवैया विद्या को लेके अच्छा नहीं है, ये तमाम परेशानियां दोस्तों। या फिर इसके अलावा कोई ऐसी भी परेशानी है जो आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं और आप उससे परेशान हैं, रातों को नींद नहीं आती है, ये तमाम परेशानियों में आपको ये उपाय लाभ देगा और आपकी तमाम समस्याओं को अलविदा कहने में आप सक्षम हो पाओगे। बड़ा दिव्य और बड़ा अद्भुत प्रयोग है। चलिए विषय पर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका अंशुमन शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल ज्योति साधना केंद्र यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पर स्वागत करता हूँ। आग्रह, यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कॉमेंट में जय गौ माता की, जय भारत माता की जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप क्या जानना चाहते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं विषय को। दोस्तों आज के इस जीवन में हम अनेकों प्रकार की परेशानियों से परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं हम बहुत से एफर्ट लगाकर भी उन परेशानियों को कम नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा जो विश्वास है हमारे इस धर्म से हटता जा रहा है। कुछ पाखंड भी होता है, कुछ लोग ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि जिन पर हम विश्वास करके पहले तो आगे बढ़ते हैं परंतु फिर विश्वास टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं हम आस्था से भटक जाते हैं। ऐसी अवस्थाओं में, ऐसी परेशानियों में एक ऐसा दिव्य प्रयोग यदि आपको मिल जाए जो आपको धर्म पर आपके विश्वास को भी जमाए और आपकी परेशानियों को भी कम करे, उसी प्रयोग को आज हम आपको बताएंगे। पहली कि नवरात्र में आप इस प्रयोग को कीजिएगा। 22 मार्च से नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि अज्ञानतावश हम 1 जनवरी को अपना नव वर्ष मनाते हैं, ये नहीं है। हमारा नववर्ष जो है 22 मार्च को प्रारंभ होगा इस साल में। हर साल नवरात्रों से हम लोग 9 दिन देवी की पूजा करके नववर्ष के अच्छा होने की कामना करते हैं, तो हमारा नववर्ष 22 मार्च को है। आप लोगों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयोग को कैसे करें, कौन से मंत्र का जाप करें? दोस्तों सर्वप्रथम पहले नवरात्रि को आप शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर, सुंदर वस्त्रों को पहनकर एक हर्षोल्लास के साथ कि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके परिणाम आपको अच्छे प्राप्त होंगे, ऐसा विश्वास आप अपने हृदय में स्थापित कीजिएगा। ऐसे वस्त्रों को मत ग्रहण कीजिएगा जो कि पहले दिन आपने डाले हों। धुले हुए वस्त्रों को ग्रहण कीजिएगा, फिर एक आसन लगाइएगा। आसन पर बैठकर आप जो है भगवती से कामना कीजिएगा कि माँ, मैं आपकी शरण में बैठकर जो भी प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं निश्चित इसमें सफलता प्राप्त करूँगा और आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आदा, आप अद्भुत शक्तिदायिनी हैं, समस्त ब्रह्मांड आपकी कृपा पर आधारित है, ये संसार जीव जंतु सब आपके आदेशानुसार कृपानुसार विचरण करते हैं, तो मैं एक आपका छोटा सा बच्चा हूँ, शिशु हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिएगा। तो दोस्तों इसके साथ आप कुछ सामग्री अपने पास इकट्ठी करके रखिएगा। 3 लौंग, साबुत लौंग होनी चाहिए फूल के साथ, और 1 सेब को आप अपने साथ एकत्रित रखिएगा। 7 पतासे अपने पास ज़रूर रखिएगा, 3 गुलाब के फूल। इन सभी सामग्रियों को एक प्लेट में रख लीजिएगा। सर्वप्रथम आप अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि विधान तो बहुत बड़ा है, हम लोग पूरा विधि विधान जानकर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज के इस माहौल में समय की स्थिति को देखते हुए वो पूरा प्रयोग नहीं हो पाता, तो ये बड़ा मैं सूक्ष्म और सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे एक माँ से बच्चा मिलता है, जैसे आप अपनी माँ से मिलते हैं, वैसे ही आप इच्छा रखकर, हृदय को संतुलित रख के आप भगवती को तिलक करके ये चीज़ें अर्पण कीजिएगा। यदि आप वस्त्र का विधान भी जानते हैं तो आप वस्त्र भी भेंट कीजिएगा।
ये सभी सामग्री भगवती को भेंट करके आग्रह कीजिएगा, एक बड़ा ही नतमस्तक होकर, बड़ा हृदय को प्रफुल्लित करके एक ऐसे माहौल को क्रिएट कीजिएगा जो कि आप किसी अतिथि के आगे प्रकट करते हैं। जब कोई घर में अतिथि आता है तो जैसा आपका हृदय उस समय होता है वैसा ही हृदय आप भगवती के सामने इस वक्त रखिएगा। श्रद्धा के साथ सभी चीज़ों को भेंट करके माँ से आग्रह कीजिएगा कि माँ, मैं अज्ञानतावश कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं केवल इतना जानता हूँ कि आप संसार में मेरी माँ हैं और मैं आपकी संतान हूँ। मैं इस समय दिशाहीन हूँ, जो जो आपकी परेशानियाँ हैं वो सब आप श्रद्धा के साथ माँ के सामने रख दीजिएगा और फिर आप एक अद्भुत प्रयोग का उच्चारण कीजिएगा। एक अद्भुत मंत्र है, इस मंत्र को आप करते समय केवल भगवती का ध्यान ही रखिएगा, समस्याओं का ध्यान मत रखिएगा, क्योंकि समस्याएं तो आपके जीवन में हैं ही, परंतु जो इस समय आपके द्वार पर भगवती का आगमन हुआ है, नवरात्रों का हर्षोल्लास है, तो इन 9 दिनों में केवल भगवती को ही हृदय में स्थान दीजिएगा। और ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 2 क्षण 2 मिनट आप मंत्र जाप करके उसके बाद आप भगवती को आप आग्रह करते हुए कि माँ, आप इस मुग्ध ध्वनि को सुनने की कृपा कीजिएगा, तो आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और इच्छा अनुसार आप 2 माला 5 माला 11 माला, ये फिर बड़ा अद्भुत हो जाता है कि आप 5 से ऊपर जब जाते हैं 11 या 21 या 51 माला, ये तो बड़ा दिव्य प्रयोग हो जाएगा। आपकी जितनी श्रद्धा है उसके अनुसार आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा और एक जल का लोटा जरूर अपने पास रखिएगा। ओम ह्रीम संकटे, ओम ह्रीम संकटे मम रोगम नास्य स्वाहा, ओम ह्रीम संकटे मम रोगम नास्य स्वाहा, ओम ह्रीम संकटे मम रोगम नास्य स्वाहा। दोस्तों यथाशक्ति अनुसार बड़ा अद्भुत एक उच्चारण के साथ स्वर एक रखिएगा, कभी तेज कभी लो मत होइएगा, मध्यम स्थिति में आप इस मंत्र का यथाशक्ति अनुसार उच्चारण करते हैं और साथ में आप कोई कंजका का पूजन भी कर लेते हैं तो बड़ा अद्भुत प्रयोग हो जाता है। कंजका के पैर को धोकर आप उनको मौली वंदन कीजिएगा, तिलक कीजिएगा और फिर आप उनको यदि 9 दिन पूड़ी और हलवे को भेंट कर दें तो ये तो एक बड़ा सोने पर सुहागा होने वाली बात हो जाती है कि 9 दिन आप में आप इसमें देवी की आराधना करते वक्त प्रतिदिन दक्षिणा के साथ आप पूड़ी और हलवा यदि भेंट करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी परेशानियां भगवती जो है ग्रहण कर रही है और आपको उसके बदले सुख शांति का वरदान देने जा रही है। लेकिन इस प्रयोग को करते करते कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखिएगा। आप 9 दिन बिस्तर पर बेड पर मत लेटिएगा, जमीन पर आसन लगाकर शयन कीजिएगा। दूसरा दोस्तों, ब्रश जो आजकल कोलगेट होती वो मत कीजिएगा, दातुन का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ होता है ये आपको भी नहीं पता है। अज्ञानतावश अमावस्या पर, पूर्णमासी पर या घर में कोई अनुष्ठान है उसमें कोलगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपका जो है इसका पूजन का विधान है वो भंग हो जाता है। तो शयन जमीन पर कीजिएगा। प्रतिदिन रात्रि में आप एक अच्छा सा दूध बनाइएगा लौंग इलायची के साथ, और भगवती की बड़ी प्रिय चीज़ है आंवले का मुरब्बा, वो रात्रि में प्रतिदिन आप भगवती के सामने रख के अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना और कामना कीजिएगा कि भगवती आप इसे ग्रहण कीजिएगा। तो ये प्रोसेस यदि आप 9 दिन करते हैं तो मैं अद्भुत विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि आपकी कोई सी ऐसी परेशानी नहीं है जो आपके जीवन में टिकी रह जाए। और वो जो जल का लोटा आपने रखा था उस जल का आप पूरे घर में छिट्टा दीजिएगा, रोगियों को पिलाइएगा या जिनमें गुस्सा ज़्यादा आता है उनको उस जल को दीजिएगा, आप स्वयं भी पी सकते हैं, घर में छिट्टा दीजिएगा। इससे आपकी जो घर की ग्रह क्लेश व्यापार बाधा है वो सभी परेशानियां जो है निरस्त होती चली जाएंगी। सावधानियां क्या रखें दोस्तों, इसमें सावधानियां विशेषकर आप 9 नवरात्रों में बाल नाखून कटिंग मत करवाइएगा। दूसरा, किसी से घृणा मत कीजिएगा, ईर्षा मत कीजिएगा और विशेषकर दोस्तों स्त्रियों पर क्रोध मत कीजिएगा, चाहे वो माँ है
चाहे वो बेटी है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बुआ है या फिर अन्य समाज की कोई नारी है, यदि आप उन पर क्रोध करते हैं या उनके बारे में गलत विचार मन में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिव्य प्रयोग किसी काम का रहने वाला नहीं है। तो इन सावधानियों के साथ यदि 9 दिन आप इस दिव्य प्रयोग को अपने जीवन में करते हैं, प्रतिदिन आप जब इस प्रयोग को करेंगे, आसन बिछाकर, खुद पर जल का छिट्टा लेके और कामना करके पहले कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ वहाँ मुझसे कोई भूल हो, पहले समय याचना कीजिएगा कि आप मेरी उस भूल को क्षमा करते हुए मुझे अपनी संतान मानते हुए मेरे जीवन का जो है दुविधाओं का विनाश कीजिएगा और जीवन को सुख से भरपूर कीजिएगा। तो इस दिव्य प्रयोग के साथ आप नारी का सम्मान करते हुए 9 नवरात्रे और डेली कंजकाओं का पूजन करते हुए यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो दोस्तों समस्या आपके जीवन में ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। आप निश्चित ही, मेरा विश्वास है कि आपकी वो सभी परेशानियाँ आपकी दूर होंगी और आप जीवन में अच्छे से जीवन व्यापन कर पाएंगे। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा घर में कि नवरात्रों में कोई घर में खंडित देवी देवताओं की प्रतिमा ना हो, उसको पहले ही नवरात्रों से पहले ही जल प्रवाह कीजिएगा, क्योंकि खंडित मूर्तियां अपना जो है एक नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में छोड़ती रहती हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो एक जगह पे जो आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और ज़्यादातर जो है क्रोध की, गुस्से की अवस्था रहती है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इस दिव्य प्रयोग को कीजिएगा और अपने जीवन को सुंदर बनाइएगा। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि दोस्तों और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर 9802098300 पर आप अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं। और यदि इस जानकारी में कोई त्रुटि हो, कुछ कमी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कुछ मैंने यदि मेरी तरफ से कुछ ऐसे शब्द प्रयोग हो गए हों जो आपको अच्छे ना लगे हों तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा याचना है। आशा उम्मीद आप लोग जीवन में हमेशा खुश रहें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और इन नवरात्रों में आप जो है तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिएगा। तामसिक चीज़ें जैसे कि उड़द हो गया, बैंगन की सब्जी होगी, लहसुन प्याज होगा, उड़द की दाल होगी, मसूरी की दाल होगी या फिर जो चीज़ें गर्म प्रभाव से संबंधित होती हैं उन चीज़ों का सेवन इन नवरात्रों में निषेध होता है, ताकि आपका संतुलन बना रहे, क्रोध आए तो क्रोध न बढ़े। क्योंकि जब तामसिक चीज़ें हम लोग अपने जीवन में खाते हैं तो वो हमारी एक ही चीज़ को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान कर देती हैं, यानी कि क्रोध आएगा तो क्रोध ही बना रहेगा। तो इसलिए तामसिक चीज़ों से भी बचें और बड़े अच्छे से श्रद्धा के अनुसार भगवती को अपने दिल की बात बता दीजिएगा, अपने दिल को माँ के सामने, जैसे आप परेशानियों में जब परेशान होते हैं तो माँ के सामने आप अपनी जन्म देने वाली माँ को अपनी बातें बताते हैं और फिर वो बड़ी हिम्मत और हृदय को प्रफुल्लित करके आपको जो आशीर्वाद देती है कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, ये समस्या तेरी सोल्व हो जाएगी। तो वैसे ही माँ भगवती जगदम्बा है, तो ये जगदम्बा का स्वरूप है, जगदम्बा का अद्भुत मंत्र प्रयोग है। आप एक बार जीवन में इसको कीजिएगा और इसका फल कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जीवन में कैसा परिवर्तन आया। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नई अच्छी जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष आएंगे और इसी के साथ परिवार के साथ आनंद के साथ जीवन व्यापन कीजिएगा। जय गौ माता की, जय भारत माता की।